सो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये लॉन्ग पेंडिंग था और हम नैनीताल की तरफ जा रहे थे, तो ये हमारा एक डेस्टिनेशन था। गर्जिया देवी का मंदिर बहुत बहुत सुंदर है, एकदम इस नदी के साथ लगी हुई थी और सब लोग इतना एंजॉय करके हम यहाँ पे ऐसे पानी में हम गए, थोड़ा सा हमने एंजॉय किया। और प्रकृति इतनी सुंदर है कि जिसका अंदाज़ा नहीं होता है कभी कभी, पर हम लोग इसको साफ नहीं रख पाते हैं। तो ये उत्तराखंड में ये यहाँ पे नहर थी, तो वहाँ पर सब लोग यहाँ पे आके बहुत एंजॉय करते। तब ये अप्रैल का महीना था, आपको अगर आपको बताना है तो ये अप्रैल का महीना था और मुझे काफ़ी गर्मी ही थी, पर हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि नैनीताल में कितनी ठंड होने वाली थी, बिकॉज हमने इतने गर्मी में वहाँ पे हम ठिठुर रहे थे नैनीताल की इस जगह पे। तो बेसिकली जो ये जगह इसी के पीछे आपका ये गर्जिया देवी का मंदिर पड़ जाता था, और हमने सबसे पहले सोचा कि हम गर्जिया मंदिर जाए, पर उसकी लाइन देख के कम से कम अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो सुबह के समय आइए, और यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती है जो कि आपको कम से कम 2 घंटा आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा तभी आप मंदिर के दर्शन हो पाएंगे। तो लकीली हाँ, मैंने क्योंकि हमारी गाड़ियाँ वहाँ पे वेट कर रही थी, हम दोनों के अलग अलग, हम दोनों फैमिली की अलग अलग गाड़ियाँ थी, और हमें एक टाइम निर्धारित समय के अंदर हमें वापस जाना था, क्योंकि उन उस गाड़ियों को हमें नैनीताल, ये देखिए जो पीछे आपका मंदिर दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको बता रही थी वो ड्राइवरों को हमें नैनीताल में ड्रॉप करके फिर वापस जाना था। तो मेरा मन थोड़ा उदास हो गया कि मंदिर आए हैं तो हम, मैं जा नहीं पा रही हूँ, पर कैसे भी एक नीचे एक मंदिर मुझे मिल गया, तो मैंने वहाँ पे ये चढ़ा दिया। तो आगे का आप ब्लॉग देखते रहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज अभी हमने सफारी ख़त्म करके अभी हम नैनीताल की तरफ जा रहे हैं, और आज हम गर्जिया देवी टेंपल में आए हैं। तो आप पीछे देख लीजिए ये कैसा है ये, और मैं आपको भी विदाउट एनी वेस्टिंग फर्दर टाइम मैं आपको ये वो पिक्चर दिखाती हूँ, कितनी सुंदर जगह है ये। तो अगर आप नैनीताल साइड आ रहे हैं तो यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। मंदिर के नीचे से ही आपको प्रसाद वगैरह मिल जाएगा, 20-50, बहुत बड़ी लंबी लाइन है, बहुत बड़ी लंबी लाइन है। কি করবে অয়ন ঢুকতে পারবে এই তো বিশাল বড় লাইন
धन्यवाद।